हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2025 की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके लिए कंप्यूटर अवेयरनेस जो कॉमन टॉपिक है सभी के लिए, तो उसके एक सीरीज अपन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक वन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो इसके अपन ये एमसीक्यू की सीरीज है। यहाँ पे अपन जो भी अपने पास टॉपिक है कंप्यूटर अवेयरनेस के, जितने भी टॉपिक्स है सभी के अपन यहाँ पे 25-25 एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये सीरीज जो है वो टिल एग्जाम तक जो है वो कंटिन्यू रहे, इसलिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। और प्लेलिस्ट को अपने पास सेव भी कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा वो सभी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। और वैसे बता दो, देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए शॉर्ट नोट प्लस एमसीक्यू पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें 13 चैप्टर शॉर्ट नोट्स है प्लस एमसीक्यूज है 1300+, ठीक है। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जिसमें आपको कंप्यूटर रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो है वो डीडी एग्जाम के लिए काम में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक ऑफ कंप्यूटर के 25 एमसीक्यू। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। तो सीपीयू सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बराबर है। द सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग इन साइड अ कंप्यूटर। नेक्स्ट, सेकेंड, विच लैंग्वेज को डज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड डायरेक्टली। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट सी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज एंड बेसिक। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, बाइनरी लैंग्वेज, बिकॉज कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग बाइनरी कोड विच कंसिस्ट 0 एंड 1। नेक्स्ट, थर्ड, वॉट इज द मेन फंक्शन ऑफ ALU, मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेशन, सेकेंड परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, थर्ड स्टोर डेटा टेम्पररी, एंड फोर्थ कनेक्ट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड, परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, बिकॉज ALU इज अ कंपोनेंट ऑफ द CPU दैट हैंडल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। नेक्स्ट, फोर्थ, विच इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए, ऑप्शन है ALU, CPU, मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। तो करेक्ट आंसर है सेकेंड, CPU. CPU इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल अदर पार्ट्स। नेक्स्ट, फिफ्थ, वॉट टाइप ऑफ मेमोरी लॉज इट्स कंटेंट्स वेन पावर इज टर्न ऑफ। तो देखिए, ऑप्शन है रॉम, फ्लैश मेमोरी, रैम एंड हार्ड डिस्क। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, रैम। रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी दैट डज नॉट दैट लूज इट्स डेटा व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। नेक्स्ट, सिक्स, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डेटा इन टू अ कंप्यूटर। तो देखो, ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, कीबोर्ड, बिकॉज कीबोर्ड इज अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस फॉर एंटरिंग डेटा। नेक्स्ट, सेवन, द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम अलाउज डेटा टू बी रीड और रिटर्न इन ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ द ऑर्डर। नेक्स्ट, एट, वॉट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट टू परफॉर्म कैलकुलेशन, सेकेंड टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, थर्ड टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस, एंड फोर्थ टू राइट प्रोग्राम। करेक्ट आंसर है सेकेंड, टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स, बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एप्लीकेशन एंड हार्डवेयर। नेक्स्ट, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, विंडोज, गूगल क्रोम एंड एडोब फोटोशॉप। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, विंडोज। विंडोज इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट, टेंथ, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। तो देखिए, ऑप्शन है फर्स्ट कैच मेमोरी, रैम, रोम, रजिस्टर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, रोम। रोम स्टोर्ड फर्मवेयर एंड इज अ वोलाटाइल सॉरी इज अ नॉन वोलाटाइल मीन। नेक्स्ट, 11th, विच डिवाइस इज कंसिडर्ड द प्राइमरी आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर, माउस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, मॉनिटर। मॉनिटर डिस्प्ले आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर विजुअली। नेक्स्ट, 12th, व्हाट डज URL स्टैंड फॉर। तो देखिए, ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर,
यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक एंड यूनिवर्सल रेफरेंस लिंक। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल इज द एड्रेस ऑफ वेब पेज ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट 13, विच स्टोरेज डिवाइस यूज मैग्नेटिक स्टोरेज। देखिए ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव। करेक्ट आंसर है थर्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोर डेटा मैग्नेटिकली ऑन रोटेटिंग डिस्क। नेक्स्ट 14, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर। देखिए ऑप्शन है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, सेकंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, थर्ड डेटा स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर एंड फोर्थ पेरिफेरल डिवाइस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड इंस्ट्रक्शन दैट टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू, मीन्स सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम एंड डेटा दैट रन ऑन हार्डवेयर। ऐसे देखिए जनरल नॉलेज के लिए भी पीडीएफ अवेलेबल है, जिनको जनरल नॉलेज का पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है एंड अपडेटेड है 2025 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ऑफ दिस इज एन इनपुट डिवाइस। तो देखिए ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, माउस एंड स्पीकर। तो करेक्ट आंसर है थर्ड माउस। माउस इज यूज टू इनपुट कमांड टू द कंप्यूटर। नेक्स्ट 16, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। तो देखिए जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस एंड जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI अलाउज यूजर टू इंटरैक्ट वाया ग्राफिकल आइकॉन्स एंड विजुअल इंडिकेटर। नेक्स्ट 17, व्हाट इज बाइट। तो बाइट मीन्स क्या होता है, देखिए 4 बिट, 8 बिट्स, 16 बिट्स, 32 बिट्स। तो करेक्ट आंसर है 8 बिट्स। 8 बिट्स मेक अ बाइट। अ बाइट 8 बिट रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर ऑफ डेटा। नेक्स्ट फॉर 18, व्हिच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। देखिए ऑप्शन है रैम, हार्ड ड्राइव, कैचे, सीपीयू। तो करेक्ट आंसर है सेकंड हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव स्टोर डेटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज ऑफ। नेक्स्ट 19, विच ऑफ दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए ऑप्शन है लिनक्स, एंड्रॉइड, गूगल, iOS। तो करेक्ट आंसर है थर्ड गूगल। गूगल इज अ कंपनी एंड लिनक्स, एंड्रॉइड एंड iOS आर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके नेक्स्ट 20, व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्रिंटेड आउटपुट। तो देखिए ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड प्रिंटर। प्रिंटर प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर। नेक्स्ट 21, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। तो देखिए ऑप्शन है बाइट, बिट, निबल, वर्ड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड बिट। बिट मींस बाइनरी डिजिट, इज द स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट रिप्रेजेंटिंग 0 or 1। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए ऑप्शन है HTML, विंडोज, गूगल, CPU। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट HTML। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग वेब पेजेस। नेक्स्ट 23, व्हाट डू यू कॉल अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट वेबसाइट्स, इंटरनेट, ब्राउजर, सर्वर। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वेबसाइट। अ वेबसाइट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेज अंडर अ सिंगल डोमेन नेम। नेक्स्ट 24, What is the primary job of an antivirus program? तो देखिए ऑप्शन है first increase computer speed, second protect against malware and viruses, third create documents and fourth manage files. तो correct answer is second protect against malware and viruses because antivirus software detect and remove malicious software. Next 25, what is an IP address? तो देखिए ऑप्शन है internet service provider, इंटरनेट प्रोवाइडर एड्रेस, सेकंड इंटरनल प्रोटोकॉल एड्रेस, थर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, फोर्थ इंटरनल प्रोवाइडर एड्रेस। तो करेक्ट आंसर है थर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। वैसे देखिए सभी पीडीएफ्स अवेलेबल है, जनरल अवेयरनेस, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, हॉर्टिकल्चर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सभी पीडीएफ्स जो है वो अवेलेबल है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।